हेलो दोस्तों, तो आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मी ए थ्री प्रो के बारे में। सो गाइस, शाओमी अपना नया स्मार्टफोन लेके आने वाला है जल्द ही मार्केट में। तो दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले होने वाली है, साथ में जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी एक्सेलेंट होने वाला है, जो कि आपको 730G प्रोसेसर के साथ मिलने और बहुत सारे दोस्तों इसमें जो है एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलने वाले हैं, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके पहले डिज़ाइन से। तो यहाँ पर आपको जो है वो ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलने वाले बैक और फ्रंट दोनों में ही। सामने दोस्तों आपको ग्रेडियंट फिनिश मिलने वाला है, और साथ ही में ये जो डिस्प्ले होने वाला है वो दोस्तों 6.4 इंचेस का डिस्प्ले होगा, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। साथ ही में मी ए थ्री की तरह दोस्तों आपको इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली जो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी एनहांस्ड होने वाला, काफ़ी अच्छा होने वाला है इस फ़ोन के साथ। आगे दोस्तों बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेस करने वाला आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है, क्योंकि आपको इसमें जो है वो स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक मिड रेंज फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, जो हमें इससे पहले रेडमी K20 में देखने को मिला था। तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी कमाल का फ़ोन होगा, काफ़ी तगड़ा फ़ोन होने वाला है। गेमिंग में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप कोई भी गेम दोस्तों जो है वो हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं इजीली, और स्मूथ परफॉर्मेंस आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। आगे दोस्तों इसका जो एक USP होने वाला है वो है दोस्तों इसका कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको 4 कैमरास मिलने वाले हैं बैक में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 108 मेगापिक्सल का आपको जो यहाँ पर कैमरा मिलने वाला, तो डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेसिव कैमरा होगा। और जो है वो आपको 13 मेगापिक्सल का एक लेंस मिलेगा, एक 8 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का, जहाँ पर आपको जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, डेप्थ सेंसिंग लेंस और एक माइक्रो लेंस भी मिलने वाला है, जिससे कि आप जो है वो ज़्यादा जूम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेसिव कैमराज होगा इसके नए नए फीचर्स के साथ। दोस्तों ये जो फ़ोन है वो 4500mAh के बैटरी के साथ आएगा, जहाँ पर आपको 30W का जो है फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जिससे कि आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों इसको आप जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं फास्ट, बट ये दोस्तों कंफर्म नहीं है कि आपको ये जो है वो बॉक्स में चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों Xiaomi जो है वो अक्सर बताता है 30W, पर दोस्तों आपको जो बॉक्स में मिलता है वो 18W का चार्जर ही होता है। तो देखते हैं कि Xiaomi दोस्तों कौन सा चार्जर लेके आता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोस्तों फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 10 के साथ आएगा, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको MIUI का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बट दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो प्योर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जो मी की जो सीरीज़ है, मी A1 से लेके जो अभी तक A3 की सीरीज़ है, वो दोस्तों वहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस ही मिलता है। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो होने वो काफ़ी एग्रेसिव होगी, जो कि अराउंड 20,000 होगी, या तो 20,000 to 20,000 के बीच में दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेस करेगा इंडियन पब्लिक को, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी कमाल के हैं। और दोस्तों इंडियन जो पब्लिक है उसको जो है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा देख के दोस्तों जो है वो पागल होने वाला है, क्योंकि इतना कैमरा दोस्तों आपको जो है वो किसी और फ़ोन में नहीं मिलता। ये फर्स्ट ऐसा फ़ोन होगा जहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। तो डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेसिव फ़ोन होने वाला है इसके फीचर्स के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।